हेलो गाइस, तो आज हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक इन मोबाइल। तो मतलब कि माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि साइडों में जो है ये दीवारें वगैरह खड़ी कर और हमारे घर के लिए एक छोटा सा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा हमारे वन ब्लॉक से दूर बनाया था। तो अभी मैं इसी जगह पर हमारा आज की वीडियो में घर बनाने वाला हूँ और साथ में थोड़ा से एक और अलग मतलब कि प्लेटफॉर्म बनाने वाला हूँ। उस जगह पर हम थोड़े बहुत पेड़ पौधे और फार्मिंग और हमारे पास जो ये विलेजर्स हैं उनको रखेंगे ताकि हमारे वन ब्लॉक के पास जो मॉब स्पॉन होते हैं उनसे उनको खतरा ना हो। तो अभी मैं यहाँ पर हमारा घर बना रहा हूँ जो कि मैं स्टोन ब्रिक्स से बना रहा हूँ। स्टोन ब्रिक्स मेरे पास पड़े थे सो गाइस, जो मेरे पास स्टोन ब्रिक्स पड़े थे उनसे ही मैं अभी घर बना रहा हूँ। इसको मैंने कुछ इस तरह से काफ़ी छोटा घर है, पर रखना क्या है, बेड ही तो रखना है। वहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल वगैरह हमारा वहाँ पर पड़ा है वन ब्लॉक के पास में। और अभी इसको मैं तीन ब्लॉक की हाइट ऊँची करने वाला हूँ। यहाँ पर देखो हमारा जो वन ब्लॉक है कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी हम जल्दी से इसको थोड़ा सा ऊँचा करते हैं ताकि ज़्यादा छोटा भी नहीं बनाऊँगा, पर अंदर से जो स्पेस है वो छोटा ही रहेगा क्योंकि अभी मैं ज़्यादा बड़ा कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सामान नहीं है ओबियसली। तो अभी मेरे पास जो है ब्रिक्स भी काफ़ी कम है। मैं अभी इसी डायरेक्ट ब्रिक्स से ही बना रहा हूँ। कोबलस्टोन से मैं बना तो देता, बड़ा भी बन जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, पर मुझे थोड़ा अच्छा बनाना है। तो अभी मैं जल्दी से आपको फास्ट में दिखा रहा हूँ जो अपना जो घर है और साथ में जो मैं ब्लॉक्स वगैरह तोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर मॉब स्पॉन हो रहे थे इसलिए मैंने यहाँ पर टॉर्चेस भी बनाकर लगा दिए। तो गाइस अभी मैं थोड़ा बहुत ब्लॉक्स तोड़ रहा हूँ ताकि मुझे ब्लॉक्स मिल जाए थोड़े बहुत, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमी हो रही है और मेरा लेवल भी बढ़ चुका है जिससे मुझे टेराकोटास मिल रहे हैं अभी सिंपल कोबलस्टोन वगैरह के बदले में। तो अभी मेरे पास थोड़े बहुत ब्लॉक्स मेरे पास सिर्फ इतने ही थे। अभी मुझे और ज़्यादा स्टोन ब्रिक्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि मेरा घर बन जाए और भी थोड़ा सा तगड़ा। यहाँ पर आप डायमंड भी देख सकते हो, मेरे पास एक डायमंड पड़ा है इस चेस्ट में और मेरे ख्याल से और भी मेरे पास डायमंड पड़े हैं, देखते हैं। चल छोड़ो, डायमंड पड़े होंगे पर अभी मुझे डायमंड्स की जरूरत नहीं है। अभी मुझे चाहिए नेदराइट, वो कैसे ना कैसे लेकर आएंगे हम लोग। नेदर जो है हमारा वो वन ब्लॉक में नहीं होगा, वो नेदर हमें पूरा मिलेगा। तो अभी मैं सोच रहा हूँ भाई इसके जो बीच के दो ब्लॉक्स हैं उनको तोड़कर वहाँ पर मैं ग्लासेस लगाऊंगा। ग्लासेस मैंने वो रख दिए हैं उसमें फर्नेंस में। और अभी यहाँ पर मैं जल्दी से ये जो दो ब्लॉक्स हैं मेरे पास इनको लगा देता हूँ। कुछ इस तरह से लगेगा, अभी मैं आपको दूर से जाकर दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये जो हमारी एक साइड है यही हमारी दूसरी साइड होगी और बीच में लगेंगे हमारे डबल डोर। तो अभी मेरे पास जितना भी कोबलस्टोन है और स्मूथ स्टोन वगैरह है वो मैं सब इकट्ठा कर रहा हूँ। अभी देख रहा हूँ इधर उधर से मिल जाए। तो यहाँ पर मेरे पास एक कोबलस्टोन ये पड़ा है और इसमें ये 12 कोबलस्टोन ये पड़े और तो इसमें नहीं है। टेराकोटास भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं क्योंकि ये जो है काफ़ी ज़्यादा कलर के होते हैं इसलिए इनको जो संभालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक बड़ी चेस्ट में भी ये मतलब बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है इनको संभालना क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कलर के होते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर एक साइड फर्नेस में ग्लास रख दिया और एक साइड कोबलस्टोन रख दिए हैं जिससे कि मेरे ब्रिक्स बन जाए। और इन ब्रिक्स से मैं थोड़ी बहुत स्टेयर्स और ब्लॉक्स और थोड़ी बहुत वॉल्स भी बना लेता हूँ। यार आई थिंक मैंने ब्लॉक्स थोड़े कम बना दिए, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अभी वॉल्स पता नहीं मुझे कहाँ पर काम आएगी, पता नहीं मैंने क्यों बना ली वॉल्स, पर चलो कोई बात नहीं, देखेंगे हम वॉल्स का भी काम आएगा ही हमारा। अभी मेरे पास सिर्फ 8 ये है ब्रिक्स है। तो भाई थोड़ी बहुत आज जो है बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी इसलिए माफ़ करते ना आज, क्योंकि अभी मैं आपका रीज़न नहीं बताऊंगा। तो गाइस अभी जो हमारा घर का फ्रंट देख सकते हो आप कुछ इस तरह से लग रहा है। दोनों साइड हमारी जो है ग्लासेस लग जाएंगे, विंडोज़ बन जाएगी और सामने की ओर हमारे गेट लग जाएंगे। काफ़ी सही लग रहा है भाई फ्रंट हमारे घर का। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ पर देखता हूँ भाई बन रहे हैं ये स्टोन्स भी और ग्लासेस भी मेरे थोड़े बहुत हो चुके हैं, इनको ले जाकर मैं जल्दी से लगा देता हूँ वहाँ पर। अब देखना भाई कैसा लगेगा हमारा घर। 1-2 यहाँ पर हो गए और 1-2 यहाँ पर हो गए। तो अभी देखो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमारा घर।
अभी टॉर्चेस भी मैंने काफ़ी सारी लगा दिया यहाँ पर, ताकि मॉब बिल्कुल भी स्पॉन हो, मॉब में खासकर क्रीपर ना स्पॉन हो। क्योंकि भाई मैंने जो अपना वन ब्लॉक की साइड है वो तो मैंने तीन ब्लॉक नीचे कर रखा है, पर मैं जो आगे बनाने वाला हूँ उनको मैं नहीं बना पाऊँगा, क्योंकि अभी मेरे पास ब्लॉक्स की कमी है। तीन ब्लॉक तो भाई नहीं बना पाऊँगा मैं, देखूँगा दो ब्लॉक ज़रूर कर दूँगा, पर तीन ब्लॉक भाई मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो अभी मैं ब्लॉक तोड़ रहा था और मुझे यहाँ पर मिले मेरे तीन तीन दोस्त जो कि विलेजर्स, तीन तीन। तो अभी मैं घर को बाद में बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ पहले इन विलेजर्स के लिए जगह बनाएंगे इस साइड की। और यहाँ से मैं दो बॉल्स तोड़ लेता हूँ। तो अभी मैं डर्ट से बनाने वाला हूँ, जितनी मेरे पास डर्ट है, ये 64 ये पड़ी है मेरे पास, और भी काफ़ी सारी होगी, मैं जल्दी से जाकर लेकर आऊँगा उनको, पर उससे पहले मैं इनको लगा देता हूँ यहाँ पर। भाई थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा, भाई गिर गया तो मेरा डायमंड आर्मर जाएगा सारा, और दोबारा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक आधी बारी मिलती है ऐसी रेयर चेस्ट जिसमें पूरा सामान मिले। इसकी जो चेस्ट प्लेट है वो मैंने अपने डायमंड से बनाई है, पर बाकी सब मुझे चेस्ट में मिला है, जैसे कि हेलमेट वगैरह। तो अभी मैं जल्दी से जाकर और भी डर्ट ले आता हूँ। इसमें ये पड़ी भाई 13 डर्ट ये पड़ी है मेरे पास, और इसमें पड़ी होगी हाँ भाई 64 डॉट ये पड़ी, और एक आधी और चेस्ट में होगी। तो ओके गाइस, एक स्टैक ये पड़ा। तो अभी जो है मुझे काफ़ी सारी डॉट मिल चुकी है, जिससे कि शायद से मेरा काम हो भी सकता है। तो गाइस अभी मैंने ये कंप्लीट कर दिया पूरा, और मेरे पास डॉट की कमी पड़ गई, इसलिए मेरे पास जो भी स्टोन थे मैंने लगा दिया। प्लेटफॉर्म कम्प्लीट कर दिया क्योंकि वहाँ पर मॉब्स का डर है, और यहाँ पर मैं टॉर्चेस वगैरह लगा दूंगा याद से, क्योंकि यहाँ पर भी मॉब्स स्पॉन हो सकते हैं। अब जो वन ब्लॉक की साइड है वहाँ पर तो शायद से ब्लॉक्स तोड़ने पर ही होंगे, क्योंकि मेरे पास मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी कर दी है, और मैं रात के टाइम मेरे पास बेड्स भी है, मैं सो भी जाता हूँ, इसलिए मॉब्स को कम से कम स्पॉन होने दूंगा मैं। तो वैसे अभी मैं मुझे काफ़ी सारी वॉल्स भी इकट्ठी करनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्स की कमी है मेरे पास, और मैं जल्दी से आपको वॉल्स लगा कर मिलता हूँ। तो गाइस हमारी जो वॉल्स भी है वो भी लग चुकी है, वॉल्स भी मैंने रंग बिरंगी लगाई है, क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली स्टोन की कमी है, इसलिए मैंने कैसे तैसे कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत पेड़ भी लगा दिए, क्योंकि मेरे पास पड़े थे, अभी मेरे पास तीन पड़े हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं है भाई, कुछ भी हो सकता है, ये पेड़ गायब हो सकते हैं, क्रीपर वगैरह फूट सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी लाइट नहीं है, इसलिए मैंने तीन बचा लिया। भाई लकड़ी की बहुत ज़्यादा कमी है मेरे पास, तो मतलब कि एक आधा स्टैक वुड पड़ी है, जो कि मेरे पहले लेवल से मेरे पास पड़ी है। तो अभी मैं यहाँ पर फार्मिंग करना चाहता हूँ, फार्मिंग, क्योंकि मैंने अभी तक भाई सच्ची में मैंने फार्मिंग नहीं शुरू करी है, मैंने घर वगैरह बना लिया है, क्योंकि फार्मिंग इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वन ब्लॉक में। पर मेरे पास वीट नहीं है भाई, बिल्कुल भी वीट नहीं है मेरे पास, ये पोटैटो वगैरह के ज़रूर पड़े हैं, वाटरमेलन का भी शायद पड़े होंगे सीड्स, इनको ही उगा लेते हैं, अब कुछ कर तो सकते नहीं है भाई। बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, इसलिए भाई सॉरी, अगली वीडियो में बैकग्राउंड नॉइज़ बिल्कुल नहीं आएगा। तो वैसे अभी मैंने जितनी मेरे पास सीड्स थी उनको मैंने लगा दिया, और अभी मैं और भी सीड्स देखने जा रहा हूँ मेरे पास पड़ी है। तो मेरे पास एक नेम टैग पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ विलेजर को ही दे दूँगा, क्योंकि ये डिस्पोन हो जाते हैं। इससे पहले मेरे पास दो विलेजर थे वो भी गायब हो गए, और उससे पहले मेरे पास स्टार्टिंग में एक विलेजर था वो भी गायब हो गया, और ये तीन है मेरे पास, ये तीन नहीं जाने चाहिए कहीं पर भी। मेरे पास पोटैटो नहीं है, पोटैटो का जब फार्म बन जाएगा तभी मैं भाई इनको, इनकी मतलब कि पूरी पॉपुलेशन बढ़ा दूंगा, ताकि मुझे कमी ना हो इनसे, फिर वो करेंगे ट्रेडिंग वगैरह करेंगे हम लोग। तो हमारा जो ये वाला प्लेटफॉर्म है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा बन चुका है, यहाँ पर हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ये वाली वीट देखता हूँ भाई, ये डायरेक्ट उगा सकते हैं कि नहीं। नहीं भाई ये वाली वीट नहीं होगी, मेरे पास थोड़े बहुत सीड्स पड़े हैं, ये चार सीड्स और पड़े हैं, इनको जल्दी से लगा देते हैं। और एक सीड और लगाना हमें यहाँ पर, नहीं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा मैं, नीचे की ओर लगाऊंगा। तो ओके, तो हमारी ये जो फार्मिंग है, पेड़ भी लग गए हैं, फार्मिंग भी हो गई है, और यहाँ पर हमारा एक प्लेटफॉर्म भी हो चुका है। तो अभी जो है मुझे मेरा घर कंप्लीट करना है, क्योंकि घर मैंने आधे में छोड़ दिया, विलेजर्स आने के बाद में मैंने वो वाला प्लेटफॉर्म पहले कंप्लीट किया है। तो अगली वीडियो भी मैं डेली वन ब्लॉक की वीडियो डाल रहा हूँ, अगली वीडियो भी जल्दी आ जाएगी और काफ़ी ज़्यादा तगड़ी होने वाली है, इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो अभी मैं जल्दी से आपको घर बना कर दिखाता हूँ।
सो गाइस मैंने साइडों में जो है ग्लास लगाए हैं, अभी मैं आपको फास्ट में दिखा रहा हूँ क्योंकि बोरिंग हो जाएगी वीडियो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको बोरिंग वीडियो देखने को मिले, तो अभी मैं पीछे की ओर जो है मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है इसके, या मेरे पास रंग बिरंगे टेराकोटस जरूर हैं तो मैं टेराकोटस लगा दिया हूँ। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा मेरा घर जो कि जिसके भी छत बाकी है, ये देख सकते हो आप पीछे की दीवार काफ़ी सही लग रही है, पर मैं अगली वीडियो में इसको सेट कर दूंगा, शायद मैं विदाउट वीडियो भी इसको सेट करके आपको अगली वीडियो में दिखा दूंगा। तो अभी मुझे छत बनानी है, छत में कुछ मेरे पास चेयर सी पड़ी है थोड़ी बहुत, इनको ही लगाकर बनाने वाला हूँ। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है भाई, इनको किस तरह से लगाऊँ मैं, कैसे अच्छा लगेगा कैसे नहीं। तो अभी इन दोनों का पहले मैं तोड़ता हूँ, ये सही नहीं लगी हैं दोनों। ओके भाई, ये दोनों अभी सही लग गया, कुछ इसी तरह से मैं पीछे की ओर इनको लेकर जाने वाला हूँ। तो अभी आप समझ गए होंगे मैं किस तरह से कह रहा हूँ। ओ भाई ये लास्ट वाली गलत लग गई है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम जल्दी से आगे का काम करते हैं, इसको तोड़ते हैं जल्दी से और इसको भी सीधा कर कर लगा लेते हैं। अभी मेरे पास बीच में लगाने के लिए कोई भी ब्लॉक नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। तो भाई ओके भाई, मेरे पास 19 ग्लास पड़े हैं, इनसे मैं इसकी पूरी छत भी कंप्लीट कर देता हूँ और इसी के साथ हमारा जो घर है वो भी कंप्लीट हो चुका है, और साथ में हमारा जो साइड वाला जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है विलेजर्स के लिए वो भी कंप्लीट हो चुका है। वहाँ पर बस मुझे विलेजर्स के लिए एक छोटा सा घर बनाना है, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्रीपर फूट गया, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये वाला जो घर है ये मैं विलेजर्स को दे दूँ और यहाँ पर मैं पूरी अपनी फार्मिंग करूँ, पेड़ वगैरह उगाऊँ और फार्मिंग करूँ और विलेजर्स को इस वाले घर में रखूँ, क्योंकि ये घर सही है भाई, ठीक ठाक बना है। और मैं मेरा घर कहीं और बनाऊँगा भाई, थोड़ा सा और दूर करके एक अच्छा सा घर बनाऊँगा, तगड़ा सा, जिसकी एक अलग से वीडियो आएगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना भाई, लाइक है मैं अभी के लिए कुछ नहीं रखता क्योंकि 10-12 लाइक आते हैं भाई, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो अपना जो घर है वो भी कंप्लीट है और वो प्लेटफॉर्म भी कंप्लीट है, 3-3 विलेजर्स है हमारे पास और हमारे वन ब्लॉक में एक छोटी सी कैट भी आ चुकी है। तो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना।